Sir, here, yeah. Raja Malissa, sir. Congratulations for the trailer. It looks epic. My question to you is: I really admire your vision. First of all, my question to you is that how much time did, did it really took to conceptualize and to ro write down? And then, uh, Karan sir said that it was 380 days of shoot. But even before that, how many total months, or amount of year it took for Bahubali to came on screen? Uh, thank you very much. And uh, my uh, surprisingly, the story part took, uh, we finished it quite quickly. Uh, two and a half months to three months, we had the whole script on our hands. but from then onwards, uh, doing the concept sketches, doing the pre-visualization work, uh, setting, up, uh, setting up the locations, building the sets, it took the whole two and a half years because we were continuously doing. we took one, almost one year for the pre-production.

काम मैं बहुत देख चुका हूँ सरा चुका हूँ मोहब्बत है मुझे इनके काम के साथ. तो जब मैंने इनकी जो जो फिल्म देखी थी ईगा तो मैं पूरा पागल हो गया क्योंकि मक्खी पे पूरी पिक्चर बनाना यहाँ बड़े बड़े सितारों के साथ हम कभी कभी गलत पिक्चर बना लेते हैं एक मक्खी के ऊपर एक पूरी पिक्चर बनाना और कन्विंसिंगली बताना वहाँ इमोशंस डालना और वो सब एक एक कहानी दौर बताना ये काम सिर्फ एक जीनियस कर सकता है तो जब राणा का फोन मुझे आया था उन्होंने कहा कि ये उनकी विज़न है मैं सुन चुका था कि ये ऐसी फिल्म बन रही थी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर बन रही है आ, बड़ी स्केल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम सब बहुत पैसे खर्च करते हैं लेकिन उस उन पैसों को सही ढंग से खर्च करना और उस विजन को इस बदौर इस स्केल पे दिखाना जहाँ एक इमोशनल ग्राफ भी हो ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं शायद बनी ही नहीं हिंदुस्तान में uh, मैंने ये विजन मैं ज्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ लेकिन ऐसी विजन मैंने मुगले आजम में देखी है जिसमें एक इमोशनल है कनेक्ट uh, है और एक स्केल और ऑप्यूलेंस है उसके बाद मैंने शायद ही मुझे ऐसी मटीरियल मैंने देखी हो जिसने मुझे पर्सनली इतना इमोशनली चार्ज किया है तो आई वो सो जैसे कि द फेमस लाइन इन हॉलीवुड ही हैड सेडमियर हलो दिस टाइम राजमौली जैसे राजमौलीम एनी कहीं भी मैं लास्ट क्रेडिट में भी नाम डाल देते मैं बहुत खुश हो जाता देखो क्या होता है कि किसी ने इतनी मेहनत की हो और हम चढ़ जाए क्रेडिट खाने हम बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में